नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं एशियन गेम्स मेंस T20I का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टीम्स के बीच। डिप्लास करेंगे दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट देते हैं। बाकी कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर टेलीग्राम पर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटसी विन प्रोडक्शन का चैनल दिखेगा। 24,800 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच मॉर्निंग में सुबह 6:30 से शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है जजेट क्रिकेट फील्ड हांगझू चाइना के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों हमें की, तो सारे एशियन गेम्स के मैचेस इसी ग्राउंड पे खेले गए हैं। पहले वुमेन्स के मैचेस हो रहे थे, अब मेंस के मैचेस हो रहे हैं, तो विकेट हो गए पूरी तरह से स्लो। यहां पे रन बनना उतना इजी नहीं हो रहा है, लेकिन जो बैट्समैन के फेवर में एक चीज जाती है वह की बाउंड्रीज काफी छोटी हैं। एक साइड की बाउंड्री तो 50 मीटर है, बाकी जो सारी बाउंड्री है वही 55 से 60 मीटर के रेंज में है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रन इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं, तो विकेट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। स्पिनर्स को अच्छा खासा यहाँ पे टर्न मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी 140 से 160 के रेंज में स्कोरिंग देखेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं। तो जो बल्लेबाज के मतलब अच्छे पावर हिटर हैं, अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं बॉल को, अच्छे टाइमिंग से खेलते हैं, वो लोग यहाँ पे ठीक ठाक रन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं देखेंगे। हालांकि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल हुआ था इंडिया का, वहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे देखा जाए तो नेपाल के अगेंस्ट 200 प्लस कर दिए थे, लेकिन उसके बाद के जो क्वार्टर फाइनल के मैचेस खेले गए, चाहे आप पाकिस्तान का मैच ले लीजिए, पाकिस्तान के बैटर भी शुरू में आउट हो गए हांगकांग के अगेंस्ट, उसके बाद फिर आप चाहे देख लीजिए जो मलेशिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, बांग्लादेश की टीम वही मतलब 120 भी नहीं कर पाई थी। तो मतलब आप सारी चीज़ें आपको देख के पता लग रहा होगा, यदि आपने मैच लाइव देखा होगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। इंडिया वाला मैच को ही आप देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल ने 100 किया था, उसके अलावा रिंकू सिंह ने नीचे आकर हिटिंग की थी, बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी स्ट्रगल करते नजर आए थे, 25 रन बॉल किए थे। उसके अलावा तिलक वर्मा ने 10 बॉल पे सिर्फ 2 रन बनाए थे, जितेश शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे, इसके अलावा लास्ट में रिंकू सिंह ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। तो रिंकू सिंह और यहाँ पे जायसवाल का ही बल्ला चला था, बाकी स्पेशली राइट हैंडर को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, ऋतुराज राइट हैंड बैट्समैन स्ट्रगल किया, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंड थे, लेकिन फिर भी ये तो मतलब पता नहीं इतना प्रेशर ले गया था, मैं क्या बताऊँ। इसके अलावा जितेश शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आप देख लीजिए, यहाँ पे स्वयं देवी उन्होंने अच्छा किया, रिंकू सिंह ने अच्छा किया, और ऊपर आपको जायसवाल भी अच्छा करते हुए देखेंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब देखा जाए स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न है, जो स्पिन अच्छा खेल सकते हैं वो लोग यहाँ पे शॉट्स खेल सकते हैं। बांग्लादेश की ताकत हमेशा से स्पिन रही है, तो लॉजिकली हम टीम बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं से पहले। और इंडिया के लिए आपको ओपनिंग करते दिखेंगे गायकवाड़, उनके साथ ओपन करने आएंगे जायसवाल, दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनमें से आप किसी को छोड़ना चाहें तो गायकवाड़ पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों को लेकर जाइए, दोनों ही तगड़े प्लेयर हैं और पावर प्ले के अंदर फायदा उठा सकते हैं, तो ओपनर्स जरूरी हो जाते हैं। गायकवाड़ ने लास्ट गेम में 25 किए, जायसवाल लास्ट गेम में 100 करके आ रहे हैं। ओवरऑल T20 में आप इनका एवरेज देख सकते हैं, 36 का गायकवाड़ का है और 30 का जायसवाल का है। और यहाँ पे बात करें तो लास्ट गेम में हमारे कैप्टन भी जायसवाल थे, इस मैच में शायद मैं इनको कैप्टन ना करूं। तिलक वर्मा को आप ट्राई कर सकते हो, ये भी स्पिन के ठीक ठाक प्लेयर है, भले ही लास्ट गेम में 2 करके आउट हो गए, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं और आजकल इंडिया टीम के एशिया कप के स्क्वाड में भी थे और इंडियन टीम का फ्यूचर भी इनको माना जा रहा है। लेकिन बस यही है कि लास्ट गेम उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आप एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि टीम के पास ऑलरेडी 6 बॉलिंग ऑप्शन है, हाँ बैटिंग से आपको नंबर 3 खेलते हुए दिखेंगे। जितेश शर्मा को कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो आप लेके जा सकते हैं क्योंकि मजबूत टीम के कीपर हैं, तो शायद कैचिंग और स्टंपिंग से भी कुछ पॉइंट दे दे। बैटिंग से लास्ट गेम में 5 रन की, एक अच्छे पावर हिटर है, लेकिन देखते हैं कैसे पिच रिपोर्ट क्या आता है। वैसे मेरे हिसाब से विकेट स्लो ही होना चाहिए क्योंकि इतने सारे मैचेस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं। स्वयं दुबे बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर लीजिएगा, 2-3 बार बॉलिंग करके जाएंगे और साथ में थोड़ा बैटिंग का बैकअप देंगे नंबर 5 के आसपास। लास्ट गेम में 25 रन किए थे, तो बैटिंग फर्स्ट मस्ट है पिक, पहले बॉलिंग करें इंडिया तो छोड़ सकते हैं, सेकंड इनिंग में शायद बैटिंग ना है। रिंकू सिंह को सिर्फ GL ट्राई करेगा, लास्ट गेम जरूर 37 रन की, लेकिन नीचे आके इतनी कड़क हिटिंग करना हरमत मुझे नहीं होगा। और लास्ट गेम में सामने नेपाल थी, ये भी चीज़ याद रखिएगा, इस बार सामने बांग्लादेश भी है। सुंदर ने लास्ट गेम एक ही ओवर डाले, लेकिन सुंदर को ओवर मिलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दुबे के यहाँ से ओवर कट भी सकते हैं। लास्ट गेम में दुबे ने 3 ओवर डाले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस मैच में दुबे 1 ओवर कर रहा है, सुंदर 3 ओवर कर जाए, तो ये चीज़ भी रहेगी। तो सुंदर और दुबे को ओवर कभी कभी कट सकते हैं। और यहाँ से जो मेन बॉलर शुरू होते हैं ना, अब यहाँ शुरू होते हैं जो इंडिया टीम के मेन 4 बॉलर हैं, उसमें साई किशोर जिन्होंने लास्ट गेम में डेब्यू किया
काफ़ी इमोशनल हो गए थे, मतलब जब मतलब हुआ था राष्ट्रगान हुआ था तो उस टाइम काफ़ी इमोशनल दिखे थे। लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करी थी, चार गेम चार ओवर डाल के एक विकेट निकाला। रवि बिश्नोई ने चार ओवर डाल के तीन विकेट निकाले, ये बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल में जरूर करिएगा। अब इसका ने तीन विकेट निकाले थे, कटर्स का उपयोग करते हैं और बॉलिंग फर्स्ट में दस में भी डालेंगे। और अर्शदीप ने दो विकेट निकाले थे लेकिन पिटाई इनकी फिर भी काफ़ी हुई थी। तो इंडिया के मेन चार बॉलर रहेंगे जो कि आपको चार चार ओवर बॉलिंग करके देंगे, तो इनसे आपको 16 ओवर देखने को मिलेंगे। और बाकी के दोस्तों चार ओवर है वो यहाँ पे दुबे और सुंदर के बीच डिवाइड रहेंगे। तो ये बॉलिंग के ऑप्शन रहेंगे टीम इंडिया के। और इसमें से जो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं उसमें जायसवाल भी स्पिन अच्छा खेलते हैं, गायकवाड़ भी ठीक खेल लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जायसवाल मस्ट पिक रहेंगे। दोनों भी आप ले सकते हो, तिलक वर्मा भी जरूर ट्राई कर सकते हो। और टॉप थ्री में से दो ही लीजिएगा, तीनों मत लेके जाइएगा क्योंकि उतना भी ईजी विकेट नहीं है। जितेश को आपको कीपिंग सेक्शन लेना पड़ेगा। तो टॉप फोर में से इंडिया के चारों मत कवर करिए, यदि आप खेल रहे हैं स्मॉल लीग तो इन चारों में से जितेश को आपको लेना पड़ेगा। इन तीन में से आप किसी एक को ड्रॉप करिए, मेरे हिसाब से जायसवाल को जरूर रखना, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ सकते हैं, और तिलक ही छोड़िए वैसे स्मॉल लीग खेलने। तो और बेंच में से मुझे नहीं लगता कोई टीम एक्सपेरिमेंट करेगी, बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, जो जीता वो फाइनल, जो हारा वो घर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे बांग्लादेश टीम्स की, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ फाइनल अपडेट और फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही आपको मिलने वाला है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24,800 दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है हमें टेलीग्राम पे ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, आप भी जुड़ जाएँ। बांग्लादेश की टीम जीत के आ रही अपना से क्वार्टर फाइनल का मैच, और इस टीम के लिए आपको ओपनिंग करते देखेंगे परवेज हुसैन, उनके साथ ओपन करना है ना मोहम्मद हसन जो है, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। वैसे 38 रन का T20 में एवरेज है। लास्ट गेम पे 0 पे पर के रन आउट हो गए थे, एक भी बॉल नहीं खेली थी, नॉन स्ट्राइक में खड़े थे उसके बाद रन आउट हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से मोहम्मद हसन जो है, यदि आप इस टीम के किसी एक बैटर को लेना चाहें ना टॉप थ्री में, यदि आप इनमें से किसी को लेना भी चाहते हैं, तो सबसे पहली चॉइस मेरी रहेगी मोहम्मद हसन जो है, टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है। ओवरऑल 38 रन का T20 बैटिंग एवरेज है। परवेज हुसैन 21 का सिर्फ एवरेज है, 29 गेम 64 रन, लास्ट गेम में 0 पे गए, आसानी छोड़ सकते हैं। जाकिर हसन का सिर्फ 17 का एवरेज है, तो आप इनको भी आसानी छोड़ सकते हैं। अब बात करें सैफ हसन की, ये मस्ट पिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है अफीफ हुसैन। अब देखिए सैफ हसन डोमेस्टिक में खेलते हैं, BPL के अंदर भी खेलते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर है, और लास्ट गेम में तो पूरे चार वर्क कर गए। उसका कारण क्या था ना, मलेशिया के अगेंस्ट इनका मैच था, स्पिनर्स को पिछले बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल रहा था, लास्ट गेम में उन्होंने चार ओवर डाले, अफीफ ने भी चार ओवर डाले, और इनके जो मेन पेसर्स हैं ना उनके ओवर कट गए। आप देख सकते हैं सादत हुसैन को बॉलिंग ही नहीं मिली, इसके अलावा नीचे आप देखेंगे सुमन खान ने दो ओवर डाले, और यहाँ से आप यहाँ पे और नीचे चलिए, मैं आपको और दिखाता हूँ एक बार। रिपोर्ट मंडल जिन्होंने तीन विकेट निकाले थे उनको भी सिर्फ तीन ही ओवर मिले, इनको भी चौथा ओवर नहीं दिया गया, तो मतलब पेसर स्कोर कटे। स्पिनर्स में से जो पार्ट टाइमर्स है सैफ हसन, ये इनके 34 गेम में सिर्फ तीन विकेट थे, उन्होंने लास्ट गेम में चार ओवर डाल दिए। अफीफ हुसैन ये भी मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के लिए भी एक आध दो ओवर ही डालते हैं, ये भी चार ओवर डाल के गए। तो इन दोनों को आप CVC कर सकते हो, जैसे आप इनको कैप्टन कर सकते हो, इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो। यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे भाई, आठ ओवर डालेंगे फिर बैटिंग से भी अच्छा कर लेते हैं, स्पेशली अफीफ से आप रन की भी अच्छी उम्मीद कर सकते हो, ढेर सारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट गेम में 23 रन किए, चार ओवर डाल के तीन विकेट निकाले। सैफ हसन ने लास्ट गेम में 50 रन किए, चार ओवर डाले, विकेटलेस रहे। अब इनके ओवरऑल आंकड़े भी देख सकते हैं, अफीफ की 161 T20 में 31 विकेट है, और सैफ के 34 मैच में 3 विकेट है, लेकिन स्पिनर्स को मदद है तो आप फिर से इनसे अच्छे खासे ओवर देख सकते हैं। वहीं सादत बॉलिंग नहीं की इसलिए रिस्की रहेंगे, इस टीम के जो कीपर उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। सुमन खान के भी ओवर कट गए इसलिए ये भी थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। रिशाद हुसैन ने तीन ओवर डाले थे, लेग ब्रेक बॉलर है, एक विकेट मिला, ठीक ठाक पिक रहेंगे। रिपोर्ट मंडल बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करिए, यदि इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करे तो आप सीधे रकीबुल को लीजिए जो कि अच्छे स्पिनर हैं, लास्ट गेम में चार ओवर डाल के एक विकेट निकाला। तो दोस्तों ये लाइनअप है बांग्लादेश का, और मुझे लगता है सेम लाइनअप के साथ टीम जाएगी, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं जो आपको फाइनल टीम मिलेगा ना टॉस के बाद ही मिलेगा, जो कि आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पर, मैं ज्वाइन कर लें, 24,800 ज्यादा दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की। दोस्तों कीपिंग सेक्शन से मैं जितेश के साथ जा रहा हूँ, मजबूत टीम के कीपर हैं तो कीपिंग से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं, और नंबर चार के आसपास बैटिंग करने से इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जाकिर हसन को एक आध जेल में ट्राई करें भाई, बाकी आप किसी को मत सोचिएगा। बैटिंग सेक्शन से मैंने तीन प्लेयर लिए हैं, गायकवाड़ मस्ट पिक, गायकवाड़ मतलब जिस हिसाब से ओपन करेंगे पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जायसवाल को मैं अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ, और ऐसा तीसरा प्लेयर दोस्तों मैंने अफीफ हुसैन को लिया हुआ है। मैं अपनी टीम में ज़्यादा बॉलर्स और ऑलराउंडर्स लेके जाऊँगा, विकेट स्लो है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा नहीं, तो हमको ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। बहरहाल इसलिए मैं बैटिंग में तीन प्लेयर लिए हैं, जिसमें से अफीफ हुसैन एक ऑलराउंडर है प्रॉपर, मैंने दो ही बल्लेबाज अपनी टीम में लिए हैं, इंडिया टीम के दोनों ओपनर। एक अच्छा ऑप्शन और बैटिंग सेक्शन में मोहम्मद हसन जो है, यदि मुझे पिच रिपोर्ट या कुछ भी अपडेट मिलता है कि बैलेंस विकेट है फिर बैटर्स के लिए एडवांटेज है, तो मैं मोहम्मद हसन जो है को भी ट्राई कर सकता हूं, जिनका 38 कवरेज है, और फिर आप तिलक की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे पिछले तीन क्वार्टर फाइनल मैचेस हुए हैं, सिर्फ सिवाय इंडिया वाले मैच को छोड़ के, सारे मैचेस में एकदम स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद थी विकेट से।
तो देखते हैं, ये मैं तीन ही ऑप्शन ले रहा हूँ बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन में दोनों प्लेयर लिए, सैफ हसन चार ओवर की बॉलिंग कर रहे थे लास्ट मैच में, मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। दुबे इंडिया पहले खेलेगी तभी मिलूंगा, क्योंकि बॉलिंग से मैं इनसे दो ओवर के आसपास ही उम्मीद कर रहा हूँ। लास्ट गेम में सुंदर ने एक ही ओवर डाल था, सुंदर चार डाल जाएंगे तो फिर शायद उनको एक भी ना मिले, लेकिन सुंदर यदि तीन डालते हैं तो दुबे को एक हो सकता है मिले। लेकिन लास्ट गेम में उल्टा हुआ था, सुंदर ने एक डाल था, दुबे ने तीन डाले थे। लेकिन इंडिया पहले बैटिंग करे तो रख लीजिएगा, कुछ ओवर की बॉलिंग जरूर करके जाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने पाँच बॉलिंग ली है, अर्शदीप मेरे पास है, बिश्नोई मेरे पास है, रूपन मंडल मेरे पास है, रकीबुल हसन मेरे पास है, और ऐसे नीचे लगे तो मैं अपनी टीम में ऐसे आर साई किशोर को लिया है। अब दोस्तों यदि इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करेगी ना तो सीधे मैं दुबे को हटाऊंगा, यहाँ से मैं अपनी टीम में अवैस खान को भी रख लूँगा, छः बॉलर में लेके जाऊँगा। मेरे को लग रहा है कि ना बॉलर इस मैच को विन कराने वाले इंडिया को। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल रिव्यू की। दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं आफिफ हुसैन और वाइस कैप्टन ने ऐसे किया है सैफ हसन को। दोनों ही ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, इन दोनों को वही बैटिंग ऑर्डर रहेगा चौथा और रहेगा ऐसे आफिफ का पांचवा। यदि बात करें दोस्तों इनकी बॉलिंग की तो दोनों आपको चार चार ओवर की बॉलिंग डालते हुए रहेंगे, स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद है तो इनके ओवर नहीं कटने चाहिए, चार चार ओवर को मिलना चाहिए। इस वजह से मैंने इन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन करा हुआ है। आफिफ के पास तो ढेर सारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के लिए रेगुलर खेलते हैं T20 में स्पेशली, तो इस वजह से मेरे कैप्टन है और सैफ हसन मेरे वाइस कैप्टन है। हालांकि यदि कोई पिच रिपोर्ट में आता है कि बैटर्स कुछ एडवांटेज है तो फिर हम यहाँ से जायसवाल के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट मैच में उससे जायसवाल ही हमारे कैप्टन थे, तो आप जायसवाल को भी कर सकते हो यदि आपको सेव करना है। मैंने सारे बॉलर्स लगभग कवर किए, इंपॉर्टेंट मेरी टीम में स्पिनर्स बहुत हैं, रवि बिश्नोई, आर साई किशोर और यहाँ से रकीबुल हसन, सैफ हसन, आफिफ हुसैन, ये पाँच मेरे स्पिनर्स हैं। पेसर्स को मैं यहाँ से आर मंडल को तब लेके जाऊंगा जब पहले बॉलिंग करेगा बांग्लादेश, अर्शदीप को मैं दोनों कंडीशन में रखूंगा। यदि इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो मैं सुयम दुबे को हटा के यहाँ से अवैस खान को रोल लूंगा। यदि इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो दुबे के साथ ही जाएंगे। हालांकि आप एक्स्ट्रा बैटर लेना चाहो तो आप महमूदुल हसन जॉय को ट्राई करते हो तो अच्छे बल्लेबाज हैं, तिलक वर्मा भी आप अपनी टीम में ले सकते हो, तो आपके पास बैटिंग सेक्शन में कुछ ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो बेशक। बहरहाल टीम में रही है, इस टीम में कुछ भी मैं चेंजेस करता हूँ फाइनल टीम मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए आप हमें टेलीग्राम पे। ऑलरेडी वहाँ पे दोस्तों 24,800 से ज़्यादा दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, आप जुड़ रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, जुड़ जाएँ टेलीग्राम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।